विगत 17 जुलाई को सीएमएस कंपनी के कर्मचारी अमित कुमार मांझी और सुभाष चेल द्वारा 1,81,00,000 रुपए की चोरी की गई। सीएमएस कंपनी विभिन्न बैंकों के एटीएम में पैसे डालने का काम करती है। पैसे डालने के क्रम में ही दोनों कर्मचारियों ने 1,81,00,000 रुपए की चोरी की। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में शामिल दो अभियुक्त अतुल शर्मा और सनोज ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। शेष दोनों प्राथमिक अभियुक्त अमित कुमार मांझी और सुभाष चेल को भी गिरफ्तार किया गया। सुमित कुमार मांझी के पास से कुल 26,00,000 रुपए और सुभाष चेल के पास से कुल 38,24,500 रुपए बरामद किए गए। सीएमएस कंपनी जो कि बैंक्स के लिए काम करती है और उनके एटीएम्स में सुरक्षित पैसा पहुंचाने का कार्य करती है, उनके द्वारा अरगोना थाना में रिपोर्ट की गई थी कि उनके दो कर्मचारियों ने लगभग 1,81,00,000 का गबन कम लूट किया है। उनके द्वारा बताया गया कि हो ना हो एटीएम में पैसा डालने के क्रम में इन लोगों ने लगभग जितना हमने अमाउंट बताया है 1,81,00,000 उसको निकाल लिया है और उसके बाद वो लोग गायब हो गए। तत्पश्चात एक टीम का गठन किया गया जिसमें कि मुख्य रूप से थाना प्रभारी अरगोड़ा और उनके अधिकारी संजय कुमार यादव, रोहित कुमार और सुमित कुमार सिंह इस घटना को उद्भेदन करने में लगे हुए थे। पूर्व में हमने दो लोगों को पकड़ा था जिनके बारे में हमें यह सूचना मिली थी कि जो दोनों मुख्य अभियुक्त हैं उन लोगों ने पैसा खपाने के लिए उनका प्रयोग किया था और उनके पास हमें 5,00,000 रुपये रिकवर हुए थे। तत्पश्चात कल हमने इनके जो दोनों प्राथमिकी अभियुक्त थे अमित कुमार मांझी और सुभाष चेल इनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से हमें 68,00,000 रुपए लगभग रिकवर हुए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ जो बाकी बचे हुए पैसे हैं लगभग अराउंड 1,11,00,000 के आसपास, वो पैसे जो हैं जुआ के ऐप के माध्यम से खपाएं। अब हम लोग का प्रयास ये होगा कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार से ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा था और जहाँ पे इनका पैसा खपाया गया है वहाँ पे भी आगे त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग उस पैसे को भी रिकवर कर पाए और ताकि उन लोगों को भी इस केस में लाया जा सके। यही हुई है, इनका मूवमेंट इधर हुआ था, हम लोगों को जानकारी थी कि पैसा ये लोग जो हैं इधर उधर मूव कर रहे हैं लगातार, उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई।